24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजत दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं, मगर ये जनता की आवाज जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोलते। अब इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे बोलना भी चाहें इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। अरबपति मालिक जिनका कंट्रोल है वो इनको बोलने नहीं देंगे। मगर एक और बात मुझे पता लगी, कुछ महीने पहले मैंने मीडिया के बारे में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में इनके मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूं ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है। सवाल था, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है तकरीबन, कोई जानता नहीं है मगर कहा जाता है कम से कम 50% आदिवासियों का 8%, दलितों का 15%, माइनॉरिटी 15%, गरीब जनरल कास्ट के लोग तकरीबन 5%, मतलब 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी या पिछड़े वर्ग की है या दलित आदिवासी गरीब जनरल कास्ट की। भाई और बहनों, मैंने मीडिया कंपनी के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली और इनके जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। मतलब 50% आबादी जिनकी है जो देश को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा।